नमस्कार, मैं तनुबोध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने आज भिंड पहुंचकर मीडिया के सामने अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा को लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी बताया। स्वदेशी शर्मा मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे कि दरअसल 3 दिन पहले भाजपा के पूर्व मंत्री दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गोहद में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के दौरान मंच से बोलते हुए लोकसभा जीतने पर विधानसभा से कांग्रेस हटाने की ओर इशारा किया था। इसको लेकर जब कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को एक छोटा नेता करार दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी खास बॉस के इशारों पर सरकार गिराने की बात कही थी। ये लोग केवल लोकतंत्र के हत्यारे हैं और जनता की चुनी हुई सरकारों के विरोधी हैं। 2 सीट पर अपनी सरकार बना लेते हैं एवं खरीद फरोख्त में माहिर हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी 8 दिन में सरकार गिराने को कहा था। ये सब इनकी अटकलें हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह के लिए जुमले जड़े जा रहे हैं। जुमलों से जीतना चाहती है भाजपा का, क्योंकि उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। भिंड ब्यूरो, अक्षय भदौरिया की खास रिपोर्ट। लाभान्वित होने वाले हैं, 5 करोड़ परिवारों के जो 20 करोड़ लोग हैं उन पर जो खर्चा होगा 72,000 रुपए प्रति साल उन तक बचेगा। 72,000 रुपए प्रति वर्ष। जिसमें शर्मा जी अभी हाल ही में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा थी गोद में, उसमें पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इशारों में कहा कि आप लोकसभा में वोट डालोगे और इधर विधानसभा कांग्रेस आउट। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ नरोत्तम मिश्रा जी तो छोटे नेता हैं, इनके बड़े नेता विजय बर्गी जी बोल रहे थे कि अगर बॉस का आदेश हो जाए तो हम 7 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। ये लोकतंत्र की जनता की चुनी हुई सरकारों के विरोधी है। इसीलिए आपने देखा होगा 2 सीटों पर ये सरकार बना रहे थे अपनी। खरीद फरोख्त में ये बहुत माहिर है। ये लोकतंत्र के हत्यारों को जनता वहां कभी नहीं करेगी। इनके नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी ने कहा था कि हम 8 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो ये सब इनकी अटकलें हैं। अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए जुमले जड़े जा रहे हैं, जुमले और जुमलों से ये चाह रहे हैं कि हम फिर दोबारा जीत जाएं। यहाँ अब उनकी जमीन की शक्ति नजर आ रही है, उनको देश में उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। कांग्रेस झंडा फहराने के लिए आतुर है, तत्पर है, तैयार है, जनता साथ है। कांग्रेस में अभी आंदोलन हुए मंत्री न बनाने पे, इंदल सिंह कसाना, कुछ ऐसा नहीं लगता कि इस टाइप के नेताओं के पीछे भाजपा पड़ी हो, उनको अपने खेमे में लेना चाह रही है? देखिए, कांग्रेस में संस्कारी लोग हैं और ये सब एक परिवार है। एक परिवार में हर चीज कहीं ना कहीं अनबन हो जाती है, हर किसी को हर चीज नहीं मिल पाती, लेकिन देर सवेर वो सब एडजस्ट होते हैं। हम परिवार के लोग परिवार में बैठ के इन मुद्दों पर निपट लेते हैं। इन पे मीडिया के सामने जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कांग्रेस ने कुर्सी के लिए काम नहीं करती है? हम 2 सीटें किसी राज्य में आए और सरकार नहीं बनाते। हमें जब जनादेश मिलता है तब हम सरकार बनाने का प्रयास करते हैं और सरकार बनाते हैं। तो चुनाव होना एक अलग बात है और सरकार बनाना एक अलग बात है। सरकार बनाना, कुर्सी पाना, ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। हमारा लक्ष्य देश सेवा करना, जनसेवा करना। अच्छा। और जनसेवा में ये मान लीजिए, हम माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय